जी हाँ मेरे दोस्त, आज मैं बात करने जा रहा हूँ KKR वर्सेस RR की बात। यह मुकाबला बहुत ही शानदार देखने को मिला, जो कि मैंने बताया था कि यह मुकाबला उसने बहुत शतक बनाया सुनील नारायण। मैं बात करने जा रहा हूँ जो कि यह मुकाबला बहुत ही बड़ा रन चेंजिंग हुआ यहाँ पे, जो कि जॉस द बॉस ने यह बहुत ही लाजवाब पारी खेलते हुए फिर से उन्होंने एक बार फिर से सेंचुरी बनाया। इससे पहले कि उसने सेंचुरी RCB के खिलाफ बनाया था, वही सेंचुरी जो कि RCB के विराट कोहली ने बनाया था, तो RCB के भी विराट कोहली का सेंचुरी कोई भी काम कर नहीं रहा, जो कि जोश द बॉस ने वहां पे भी सेंचुरी मारकर जिता दिया था अपने RR को। यही मैं बात करूंगा, जो कि फिर से KKR के खिलाफ यहां पर अपने बाजी पलट दिए हैं जोश द बॉस ने, जिस तरह से बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी बना दिए हैं। सुनील नारायण के सेंचुरी उनके सामने फीका पड़ गया, जो कि उन्होंने 109 रन बनाए वही 56 गेंदों में। वही मैं बात करूंगा जो कि उन्होंने 60 गेंदों में 107 रन बनाए पर भी उनका अकेला टिके रहे 160 गेंद में 107 रन बनाए, वही उनका सेंचुरी फीका पड़ गया पर बहुत ही लाजवाब पारी। सबसे बड़ी रन चेजिंग हुई RR की, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए अकेला दम पर अपने दम पर जिताया RR को, यह बहुत ही होनहार की बात है। जिस तरह से RR की जोश द बॉस वहां पे अकेला बाजी पलट दिए, नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा रन चेजिंग होगा, पर यहां पे रन चेजिंग हुआ और दम दिखाया दमखम, और यह बहुत ही बड़ा मुकाबला हुआ ईडन गार्डन में, जो कि शाहरुख खान भी वहां पे शर्म से अपने आप को नहीं रोक पाए, सर्व खुशी से रोक नहीं पाए और ताली बजाने लगे। जी हाँ मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।